हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि एनसी वेब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये रिलीज़ कर दिया है। अब इस एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, क्या एडमिशन मेरिट बेस पर होता है या डायरेक्ट होता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है नोटिफिकेशन है ये आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जो है ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी बताया गया है कि प्रेस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूजी कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एनसी वेब एडमिशन आल्सो। यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, पहली बात दोस्तों एनसी वेब में केवल और इसमें जो है गर्ल्स स्टूडेंट ही एडमिशन लेती हैं, बॉयज़ स्टूडेंट जो है एडमिशन नहीं लेते हैं। और यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल दो ही प्रोग्राम हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं एनसी वेब के द्वारा, जो कि बीए प्रोग्राम है और बीकॉम प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों एनसी वेब में केवल वही गर्ल्स स्टूडेंट ले सकती हैं जो दिल्ली के निवासी हैं, या फिर अगर आपने दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है तो यहाँ पे आप जो हैं तो आप एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हैं। और दिल्ली का ही दोस्तों आपके पास जो एड्रेस प्रूफ या रेजिडेंस प्रूफ अगर आपके पास है वो भी आपके नाम का तभी यहाँ पर आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, तभी यहाँ पर आप जो हैं अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हैं तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आपका दोस्तों ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए और आपके नाम पर ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे इसको जो है वैलिड माना जाएगा। एडमिशन आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन एन सी वेब सेंटर चेंज ऑफ सेंटर और एडमिशन ट्रांसफ़र टू एनी अदर एन सी वेब सेंटर इज़ नॉट अलाउड। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप एन सी वेब में एडमिशन लेते हैं तो जो भी यहाँ पर आपको सेंटर दिया जाएगा वहीं पर आपको जो है अपना स्टडी के लिए जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया कि बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम ये केवल दो ही कोर्स हैं जो एनसी वेब में ऑफ़र किए जाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आप सभी को हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बताया, 250 रुपये आप सभी की जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेंगे दोस्तों यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इन्हें आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई कौन सी चीज़ें कब दी गई, तो यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट डेट्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट बताई है, एडमिशन की जो कट ऑफ निकलती है भी यहाँ पे डेट जो है बाद में अनाउंस की जाएगी, तो यहाँ पे अभी आपको जो है थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास 10th क्लास की सर्टिफिकेट है जो कि मार्कशीट रहता है, जिसमें दोस्तों आपका जो नेम है वो होना चाहिए, इसके अलावा 12th क्लास की जो मार्कशीट है ये लगेगी। द नेम ऑफ एप्लीकेंट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस मस्ट वॉच विथ द नेम डैट अपियर इन द कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, सिमिलरली देयर पेरेंट्स नेम मस्ट मैच इन द बोर्ड सेट्स ऑफ क्लैरिफ सर्टिफिकेट्स। अगर दोस्तों आपके 10th क्लास की मार्कशीट में आपका जो नेम दिया है और जो आपके फादर का नेम दिया है अगर वो सेम है, मीन्स कहने का मतलब ये है जो आपका आप टाइटल लगाते हैं, चाहे जैसे अगर आपका नाम गोपाल शर्मा है, मेरा नाम गोपाल शर्मा है, तो फादर में जो है नंदलाल शर्मा या कोई भी आप जो यहाँ पे वो नेम होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे मिसमैच या स्पेलिंग का जो है एरर नहीं होना चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। 12th क्लास की मार्कशीट हो गई, एस सी एस टी का जो सर्टिफिकेट हो गया ये आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर डेट बताई गई कितने डेट का इस बात का इशू होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे अभी आपको डेट नहीं बताई गई है, तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं डेट दी गई है नहीं दी गई है। ओबीसी वालों स्टूडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी दोस्तों यहाँ पे जो डेट बताई गई है ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको एक प्रूफ देना होगा दिल्ली एड्रेस का कि वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आई डी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, तो ये यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों कोर्स कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, यूजी लेवल पे दोस्तों ये आपके जो हैं बीकॉम प्रोग्राम ये दो कोर्स ऑफर किए जाते हैं। मेरिट बेस दोस्तों आप सभी का जो है एडमिशन प्रोसीजर रहता है, जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे जो भी यहाँ पे आपका मार्क्स आएगी, मार्क्स आपने गेन किया होगा
सीयूटी एग्जामिनेशन में, तो उसके बेस पे यहाँ पे दोस्तों आप सभी का जो है मेरिट लिस्ट निकलती है और उसी के बेस पे आप सभी का जो है एडमिशन रहता है। जो मेरिट लिस्ट निकलती है दोस्तों उसकी डेट अभी ऊपर आगे नहीं बताई गई है, तो डेट के लिए यहाँ पे आपको जो है वेट करना होगा। जब यहाँ पे दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन बताया गया है कि किस तरह से करना होगा, आपको प्रैक्टिकली करके भी बताया जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी होगी, पेमेंट कर देने के बाद दोस्तों आप सभी को जो है मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि लिस्ट ए और लिस्ट सेकंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो लिस्ट बी ए आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, बी ए प्रोग्राम में जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहने वाले हैं ये कॉम्बिनेशन बेस रहने वाला है, बी कॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जो सब्जेक्ट रहेंगे एन सी वेब में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आदित्य महाविद्यालय में दोस्तों बी कॉम की यहाँ पर 230 सीट्स हैं और बीए प्रोग्राम की 355 है, जिसमें से दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे सेंटर जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम वालों के लिए इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, या फिर आप हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। और बीकॉम वालों के लिए जो एईसीसी प्लस एमआईएल सब्जेक्ट रहेगा जो कि एक लैंग्वेज रहेगा, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये आपके जो है सब्जेक्ट रहेंगे। इसी तरह आर्यभट्टा कॉलेज में आप देख सकते हैं 230 सीट्स हैं, कहीं ना कहीं सीट्स दोस्तों आपको सेम देखने को मिलेंगी, यहीं पर आपको इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, पोल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा। जब दोस्तों आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से आप सभी को अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है कॉलेज का या जो स्टडी सेंटर इसका एड्रेस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे दोस्तों आपको 26 स्टडी सेंटर्स देखने को मिलेंगे एनसीवेब में। और यहाँ पे नीचे बताया गया है दोस्तों एक आध ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनकी आपकी जो क्लासेस है किसी और सेंटर में लगवाई जाए, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों यहाँ पे बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम की जो फीस रहने वाली है ये रहने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम वालों की 4680 रुपये और बीकॉम वालों की 4790 रुपये। दोस्तों इसमें जो फीस रिफंड रहने वाली है दोस्तों एक साल की फ़ीस रहेगी, ये कोई पूरे कोर्स की फ़ीस नहीं है, एक साल की यहाँ पे जो है फ़ीस रहेगी। और इन केस ऑफ कैंसिलेशन अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो फ़ीस रिफंड होगा या नहीं होगा ये इसका यहाँ पे जो है ये आपको दिया गया है कि एडमिशन फ़ीस विल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इनका जो रूल रहता है इसके हिसाब से आपको जो है फ़ीस रिफंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस दी गई जिन्हें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस के बारे में कुछ बताया गया है, गुड अटेंडेंस है, फाइनेंशियल है, डीटीसी बस पास फैसिलिटी है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।